अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन चिली फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे बनाकर। मेरे चैनल पर और भी कई रेसिपीज़ है मटन कबाब के और मटन फ्राई के, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम मटन लिया है, इसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिया है। देखिए इसी तरह से आप सारे पीसेस काट लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन और 1 टीस्पून कच्चा पपीता और 1 टीस्पून नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। कच्चा पपीता यानी कच्ची पपई से गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा इसे मैरिनेट करके रखने पर। अब इसे ढककर हम रखेंगे आधे घंटे के लिए, कम से कम इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए ज़रूर रखें आप। चलिए आधा घंटा हो चुका है, अब एक कढ़ाई में ये गोश्त हम निकाल लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम रखेंगे, इसे कुछ देर मीडियम फ्लेम पर हम चम्मच चलाएंगे, इसमें से पानी छूटेगा, इसी पानी में ये गल जाएगा क्योंकि हमने कच्ची पपई भी लगाई थी इसे, ये आसानी से गल जाएगा कढ़ाई में ही, इसे प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में इसमें पानी काफ़ी छूटेगा। देखिए अब इसे ढककर पकाएंगे हम मीडियम स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। देखिए पानी पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है। देखिए गोश्त को चेक करते हैं हम, देखिए ये आसानी से गल चुका है ये। अब इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे हम। अब इसे हल्का सुनहरी कलर आने तक फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। देखिए कुछ देर बाद ये हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और 1/2 टीस्पून हल्दी, इसे भी हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए कुछ देर बाद ये अदरक लहसुन भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए हरी मिर्चें और कुछ करे पक्के पत्ते यानी कड़ी पत्ता, इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आएगी मटन में। ध्यान रहे कि फ्लेम हाई ना हो, लो से मीडियम रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर। इसे लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। अब एक पैन में 1/2 कप ऑयल लेंगे हम और इस तरह से कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज है, ये 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च है, इस तरह से कटी हुई हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-30 सेकेंड के लिए। देखिए अब इसमें जो फ्राई किया हुआ मटन है वो ऐड करेंगे हम। आप चाहे तो ये शिमला और मिर्च और प्याज हल्का सा फ्राई होने के बाद सॉसेस ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे मटन में ऐड करके फ्राई किया है हल्का सा ताकि टेस्ट अच्छी तरह से आए, और इसके बाद मैंने इसमें मिला लिया है। देखिए अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, इसे भी मिला लेंगे। देखिए ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है और ना ज़्यादा सॉसी है। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। मेरी ये चिली मटन फ्राई की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।